नेशनल हाईवे 24 दिल्ली को लखनऊ से जोड़ने वाले इस राजमार्ग पर यूं तो हर जगह जाम लगते हैं, लेकिन इसके एक हिस्से पर जाम से निजात दिलाती है एक महिला। खोड़ा और इंदिरापुरम के बीच गुजरने वाले हाईवे के हिस्से पर पूरे जोश और जुनून से जुटी ये महिला समाज सेवा का फर्ज अदा करती है और इसके बदले इन्हें मिलती है सिर्फ लोगों की दुआएं। नेशनल हाईवे 24 हर सुबह गाड़ियों का रेला, लगता है जाम का झाम, पर एक सीटी से कैसे छट जाता है जाम। ये NH24 है जो दिल्ली को लखनऊ से जोड़ता है, लेकिन आप जैसे ही दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जाएंगे तो हो सकता है कि आपको जबरदस्त जाम से जूझना पड़े। जी हाँ, सफेद ड्रेस, मुंह में सीटी, हाथ में डंडा और दिल में जुनून, इसी जुनून ने इन्हें नेशनल हाईवे पर पहचान दी है। आखिर नेशनल हाईवे से रोज गुजरने वाली लाखों गाड़ियों को कंट्रोल करना एक महिला के लिए आसान काम भी तो नहीं। अगर मैं इसको तो सारे लोग जानते हैं और इन लोगों के लिए कहती हूँ मैं इन लोगों को कि भैया ऐसा ही आपकी सेफ्टी है, मेरी सेफ्टी तो नहीं है। अगर आप मेरा कहना मानेंगे तो बिल्कुल एक्सीडेंट नहीं होगा, और मैं जिस तरह से लोगों को कहती हूँ उस तरह मेरा कहना भी मानते हैं। ना कोई ट्रेनिंग, ना ट्रैफिक पुलिस से कोई पगार, बस मन में समाज के लिए कुछ करने की ख्वाहिश है। समाज सेविका डोरिस फ्रांसिस की, जिन्हें इलाके के लोग नेतानी कहकर बुलाते हैं, और नेतानी के इसी जज्बे को यहाँ से गुजरने वाले लोग सलाम करते हैं। इलाके के लिए तो अच्छा है ही, बाय द वे जहाँ आदमी नहीं कर सकते, एक औरत है जो कि अपने घर से टाइम निकाल कर यहाँ पर वक्त देती है और लोगों के लिए सहूलियत करती है, अच्छा है। ना ही ज्यादा सबको प्यार से यहाँ से निकालती है और अपना काम करते हैं। नेशनल हाईवे 24 के जिस हिस्से पर डोरिस यातायात को नियंत्रित करती है, उसके एक ओर 5 लाख की आबादी वाला खोड़ा और दूसरी ओर इतनी ही आबादी वाला इंदिरापुरम का इलाका लगता है। यहाँ लगने वाले जाम को हटाने और ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कहानी करीब 12 साल पहले शुरू हुई, जब एक बच्ची के साथ सड़क पर हादसा हुआ और बस शुरू हुई एक समाज सेविका के हौसले की कहानी। उस टाइम पे मुझे कॉर्पोरेट तो होता है, पब्लिक का भी रहता है मेरे साथ, पर जूझना बहुत पड़ता है, यहाँ तक कि मुझे पसीने छूट जाते कभी कभी, तो मैं कहती यार मैं किस बवाल में पड़ गई हूँ, मुझे नेतागिरी नहीं करनी चाहिए। फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, अगर मैं हिम्मत हारूंगी तो ये बेचारे जिनकी आस है मुझ पर कि नेतानी खड़ी है, हम निकल जाएंगे, तो उनकी आस नहीं होगी। जहाँ हर पल दौड़ती भागती गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस वाले भी ठीक से नहीं संभाल पाते, वहाँ डोरिस अपनी सीटी और हाथ में डंडे के सहारे सुबह शाम के यातायात को सुचारू रूप से चलाती है। तभी तो पुलिस वाले और दूसरे लोग भी मानते हैं कि इनसे बड़ी मदद मिलती है। और यहाँ की पब्लिक है, यहाँ के टेम्पो वाले लोकल हैं, यहाँ के बदतमीजी करते हैं पुलिस वालों से, तो ये यहाँ के लोकल हैं, इन्हें समझते हैं, वो जानते हैं, इसलिए इनसे चलते हैं। जाम नहीं लगता यहाँ पे, और जिस दिन आंटी ना हो उस दिन तो यार आधा आधा एक एक घंटा पीछे तक लग जाता है। दिखाई नहीं देता। अगर आप इस सड़क से यात्रा कर रहे हैं और नेतानी इस सड़क पर मौजूद है तो यकीन मानिए आपका सफर जाम रहित होगा, क्योंकि नेतानी यहाँ सुबह से आकर ही जाम को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं और ट्रैफिक को रेगुलेट करती हैं, और वो भी निशुल्क, बिल्कुल समाज सेवा के रूप में। कैमरामैन सुधीर पांडे के साथ इस समय NH24 से अमित श्रीवास्तव।